हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने काफी सारी वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे आपको हाथ से लिखने वाला वीडियो देखने को मिल जाता है। इसमें होता है क्या, लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को समझाने के लिए किसी भी इमोजी को ऐड करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ऐड करते हैं, तो सारी चीज़ों को हैंड अपने हाथों से स्क्रैच करके या फिर अपने हाथों से लिखता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। जो सामने वाला बंदा आपकी वीडियो को देखता है, उसे ईजिली समझ में भी आ जाता है कि आखिर टॉपिक क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके हाथ से लिखने वाला वीडियो यानी कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे पहले से यहां पे डाउनलोड कर रखा है, चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपसे यहां पे परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगा, तो सिंपल से आप यहां अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहां पे एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये एप्लीकेशन के होम पेज का इंटरफेस है। आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए, किसी भी वीडियो को बनाने के लिए सिंपल सा आप यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने मूवी का नाम चूज करेंगे, यानी कि जो भी वीडियो आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कोई भी एक नाम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से कैनवास चूज करेंगे, यानी कि अपने वीडियो की यहाँ से साइज चूज करेंगे कि आप यहाँ पे अपने वीडियो को किस साइज में बनाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूट्यूब साइज देखने को मिल जाएगा, इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा, टिकटॉक की साइज देखने को मिल जाएगी, वीमियो की साइज देखने को मिल जाएगी, फेसबुक की साइज देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जिस भी रेशियो में अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं, सिंपल सा आप यहाँ पे उस रेशियो को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वाले रेशियो को चूज करता हूँ। उसके बाद नीचे हम यहाँ क्रिएट मूवी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आईडियो की परमिशन को अलाउ करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे वाटरमार्क देखने को मिल रहा होगा, तो इसे हटाने के लिए सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं वाटरमार्क हटाने के लिए। पहला, आप इसके प्रो वर्जन को बाय करके 500 रुपये में इस वाटरमार्क को हटा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे 250 रुपये में इस वाटरमार्क को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। और तीसरा, आप यहाँ पे वॉच ऐड करके इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आप यहाँ पे अपने वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीरियल वाइज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, सो आपको वीडियो को 1% मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज की यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे 2 पेज कर सकते हैं, 3 पेज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना भी आपको यहाँ पे पेज लगने वाला है उस हिसाब से आप यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टिकर का, सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा पिक योर ओन, यानी कि आपको अपने फ़ोन से यहाँ पे जो भी फोटो एनिमेशन या फिर कुछ भी आपको यहाँ पे ऐड करना है तो उसे आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेसेंट देखने को मिल जाएगा, जो भी फोटो जो भी एनिमेशन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने वीडियो के लिए वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेव्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितने सारे सेव्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप मिल जाएंगे, एजुकेशन टाइप आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, एनिमेशन टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन मिल जाता है, बायोलॉजी मिल जाता है, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पे टॉपिक है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो पिक करके आप यहाँ पे अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, फर्नीचर कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, फ्रूट की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, वेजिटेबल कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, किचन, वेदर, स्कूल, ड्राइंग और फ्लैग, काफ़ी सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरा, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेक्स्ट का। अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड का, सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, सेलेक्ट कलर का और दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का। आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं और नीचे आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक बैकग्राउंड में इमेज भी सेट कर सकते हैं। कलर सेट करने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से रेड कलर चूज कर सकते हैं, पिंक कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे भी कलर आपको यहाँ पे चूज करना है सिंपल सा आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हैंड देखने को मिल जाएगा। आप अपनी वीडियो में यहाँ पे किस टाइप का हैंड सेट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हैंड देखने को मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी एक हैंड अपनी वीडियो के लिए सेट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है म्यूज़िक का। आप इस पर क्लिक करके अपनी वीडियो में अपनी वॉइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं।
अब आपने यहाँ पे सारे फीचर जान लिए हैं कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। अब चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको किसी एक छोटी सी वीडियो को एडिट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपनी वीडियो में यह बताना चाहता हूँ कि हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूट्यूब चैनल बना के उससे काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए सिंपल से आप यहाँ स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से स्टिकर वगैरह चूज़ करेंगे, एनिमेशन वगैरह चूज़ करेंगे, जैसे भी आपके यहाँ पे कैटेगरी है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला स्टिकर ले लिया। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक एरो लगा दिया कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे कोई भी स्टिकर वगैरह ऐड करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिले मिल जाएगा। आप अपने यहाँ पे स्टिकर को कितने टाइम के लिए डिले करना चाहते हैं, उसके बाद उसे यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका सेकंड आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूँ। 5 सेकंड करने के बाद आप यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टिकर यहाँ पे 5 सेकंड के बाद यहाँ पे राइट होना स्टार्ट होगा। दूसरा आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिल जाएगा। आप अपने स्टिकर को यहाँ पे कितने टाइम के लिए ड्राइंग करवाना चाहते हैं, आप यहां से उसका टाइम सेट कर सकते हैं। और तीसरा आपको यहां पे पॉज मिल जाएगा। आपका यहां पे ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद कितने टाइम तक रुका रहे, आप उसकी टाइमिंग यहां से सेट कर सकते हैं। और यहां से आप इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सामने आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। और यहां से आप इसे डिलीट कर सकते हैं और यहां पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी एनिमेशन सेट कर सकते हैं। और यहां पे क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करके आप इसे लेयर के ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। और यहां पे क्लिक करके इसे फ्लिप कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे सारे स्टिकर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे सारे स्टिकर को ऐड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टिकर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वीडियो को बना सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। फिलहाल मेरी वीडियो यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे इससे भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद इसे सेव करने के लिए सिंपल से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे प्रोजेक्ट में सेव रहेगी। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ पे अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव टू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके काफ़ी आसानी से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।